Hello everyone! वेलकम टू द एम सी क्यू फैक्ट्री तो आज एग्ज़ाम था उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का जनरल स्टडीज़ पेपर वन है ये अभी बारह बजे एग्जाम ख़त्म हुआ है और हमने बहुत जल्द से जल्दी कोशिश की है कि आपके पास ये क्वेश्चन लेकर आ जाएँ फटाफट इसके आंसर कीज बता दें और ट्रस्ट मी सारे आंसर्स बहुत एक्यूरेट है जिसका हमें पता नहीं था आंसर उस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया है लेकिन बहुत एक्यूरेसी के साथ हम सारे आंसर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप इस वीडियो को देखिए अच्छा लगे तो लाइक करिए और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सबके आंसर कीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो फटाफट शुरू करते हैं सारे आंसर्स देख लेना और आप भी आंसर्स की मैच करिए और अगर कोई एरर लगे कोई इशू हो तो प्लीज कम्युनिकेट करिए और एमसीक्यू फैक्ट्री को सब्सक्राइब करिए थैंक यू तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज सागरमाला प्रोजेक्ट इज अंडर व्हिच ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डी मिनिस्ट्री ऑफ सर्फ़ेस ट्रांसपोर्ट तो इसका करेक्ट आंसर है ए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज क्वेश्चन नंबर सेकंड विच कंट्री हैज बिगन इट्स टू ईयर टेन योर एज नॉन परमानेंट मेबर ऑफ द यू सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया बना है अभी फिलहाल परमानेंट मेबर ऑफ द यू नॉन परमानेंट मेबर ऑफ यू सिक्योरिटी काउंसिल दो साल के लिए और ये एट्थ टाइम है जो इंडिया इसका मेम्बर बना है और ये क्वेश्चन में मैंने जो करेंट अफेयर्स का सेट डाला है अपने चैनल पे उसमें ये सारे हैं तो ज़रूर आप लोग का अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम है, है तो कोई दूसरे स्टेट का एग्जाम है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस देखिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में पूछे गए हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चन का पी जो है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसका भी लिंक मैं दे दूँगी आप वो लिंक से चैनल सब्सक्राइब करिए चैनल पर जाइए और जाके सारे पी डाउनलोड करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर जाते हैं हु इज़ द चेयरमैन ऑफ स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट इन उड़ीसा अभी फिलहाल ही उड़ीसा में स्टेट बैकवर्ड कमीशन बना है और उसके जो चेयरमैन हैं वो बनाए गए हैं ए रघुनाथ बिस्वल जस्टिस रघुनाथ बिस्वल वो हाईकोर्ट के जज uh, थे और उनको अभी बैकवर्ड कास्ट का चेयर कमीशन कमिश, uh, का चेयरमैन बना दिया गया है क्वेश्चन हम फोर्थ पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ए द फर्स्ट इंडिया जापान संवाद कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड बोध गया इंडिया Second the samvad conference revolves around the need to build the future of asia under the positive influence of traditional traditions of non-violence and democracy in india c in the sixth samvad conference pm mr modi proposed to establish a library of traditional buddhist literature and scripture d uh, samvad conference is being held every year since 2015 between india and thailand तो इसका जो आंसर है डी वो गलत है क्योंकि अभी संवाद कॉन्फ्रेंस जो है इंडिया और जापान के बीच में वो हर साल थाईलैंड के साथ नहीं होता है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे जाते हैं शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड्स ऑफ स्टेट समिट वॉज हेल्ड ऑन 10 जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टेंथ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी द वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉर्मेट द समिट वॉज होस्टेड बाई ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था और समिट को किसने होस्ट किया था ये भी मेरे क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का सेट है उसमें ये क्वेश्चन ये भी प्रोवाइड किया गया था और मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया है तो जाइए उसको देखिए और देखिए कितने सारे क्वेश्चन अगर आपने वो वीडियो देखे होते तो आप आपके मैच कर गए होते तो इसका करेक्ट आंसर है ए रशिया रशिया में मीटिंग हुई थी और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि एस सी ओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच कंट्री हैज़ बिकम द सिक्स मेंबर ऑफ द फिफ्थ आइज इंटेलिजेंट नेटवर्क एक्चुअली ये क्वेश्चन रॉन्ग है क्योंकि इसमें जो सिक्स मेंबर है वो फ्रांस बना है फ्रांस को बनाया गया है लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं है तो इंडिया भी इसमें शामिल हो चुका है तो इंडिया को हम यहाँ मार्क कर सकते हैं लेकिन ये क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है गलत आंसर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं व्हाट वाज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 थाउजेंड ट्वेंटी टू आर्ट ट्वेंटी गोल्स मेकिंग द डिकेट काउंट बी सस्टेनेबल एनर्जी अक्रॉस द वर्ल्ड सी एटेनिंग एस बिफोर टू डी एनर्जी एंड रिसोर्सेज फॉर ऑल तो सेवन का करेक्ट आंसर है ए टर्ड्स टू थाउजेंड थर्टी गोल्स मेकंग द डिकेट काउंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मार्क कर लीजिए अगर आप दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरीके की थीम्स रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं क्योंकि ये उड़ीसा पी पी सी एस है बहुत कम क्वेश्चन उड़ीसा पी सी एस उड़ीसा के पूछे गए हैं इस पी सी एस में बहुत सिंपल एग्जाम था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे हाँ हिस्ट्री का थोड़ा ट्रिकी था लेकिन पॉलिटी जोग्रफी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए अगर आप आप लोगों ने एग्जाम नहीं भी दिया तो जरूर इसको देखिए क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा जो पूछे गए हैं एग्जाम में तो क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर है डी सुदर्शन साहू सुदर्शन पटनायक वो सैंड स्कल्पचर है और सुदर्शन साहू जो है वो एक स्कल्पर हैं जिनको पद्म विभूषण अवार्ड इज व टू में दिया गया है मैंने बताया भी था कि इसका सीक्वेंस क्या है विभूषण भूषण एंड श्री पद्म विभूषण पद्म भूषण एंड श्री क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं द रेसिपेंट ऑफ अतिबादी जगन्नाथ दास लिटरेरी अवार्ड अवार्डेड बाय साहित्य अकेडमी ऑफ उड़ीसा फॉर 2020 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी रामचंद्र बेहरा रामचंद्र बेहरा जो है इसका करेक्ट आंसर है और ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मैं बता रही हूँ क्योंकि हमने पहले रिसर्च किया तब जाके सारे आंसर कीज बनाए हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि जो भी आंसर आप मार्क करेंगे और प्लीज अपना स्कोर भी फटाफट हमारे साथ शेयर करते जाइए कि हम एक वीडियो और बनाएंगे कट ऑफ से रिलेटेड कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कितना कट ऑफ जाएगा लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कितना कट ऑफ बढ़ेगा तो अपना स्कोर जरूर से जरूर

की स्पेस uh, एजेंसी है वो है अमेरिका की एजेंसी तो ये क्वेश्चन भी मार्क कर लीजिए ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस उड़ीसा पीसीएस में पूछे गए हैं आप देखते हैं इसके सी सेट का क्वेश्चन कैसा होगा अगर आप चाहते हैं कि हम सी सेट का भी आंसर की आपके पास बना कर दें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमें बनाना चाहिए या नहीं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ पे आते द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज मेड एंड यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम एक्चुअली ये जो पास किया गया था एक्ट ये फिफ्थ अगस्त 2019 को पास किया गया था लेकिन ये स्ट्रक्चर में आया था यूनियन टेरिटरी थर्टी फर्स्ट अगस्त थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन को जिसे बोला जाता है यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे को इसे सेलिब्रेट किया जाता है तो एक्चुअली एक्जिस्टेंस में थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को आया था लेकिन पास हुआ था फिफ्थ अगस्त को ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन पर आते द प्रोटेस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइज एट शाहीन बाग सबको पता है कि ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट था टू थाउजेंड ट्वेंटी में किस चीज़ से रिलेटेड था तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन से रिलेटेड था क्यों क्योंकि इसमें माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स को कंसिडर नहीं किया गया था इसलिए शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ द मिलिट्री इज दैट अकर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना सिंस फिफ्थ में टू थाउज ट्वेंटी गैलवान वैली इन्वॉल्व टेरेटोरियल डिस्पूट्स ओवर तो कहाँ किस जगह पे टेरेटोरियल डिस्पूट था तो ये था पेंगोंग सो जो लेक है उसके एरिया पे क्या आधा इंडिया में आधा चाइना में है वही गलवान वैली इसी एरिया में लाई करता है अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वत्सा महाजनपदा ये एशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है सिंपल है जिसने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी लूसेंट से इनफैक्ट लूसेंट से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आए हैं तो अगर जिसने लूसेंट पढ़ा होगा उसको पता होगा तो फिफ्टीन का करेक्ट आंसर है बी कौशंबी वत्सा की कैपिटल थी कौशंभी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे विच ऑफ फॉलोइंग सोर्स इंडिकेट द लास्ट मॉडर्न रूलर बृहद रथ वॉज अनेटेड बाय पुष्पमित्रा ए इंस्क्रिप्शन बी गार्गी संहिता सी पुराना डी हर्षचरिता तो हर्षचरिता जो था उसमें इसको मेंशन किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर है डी हर्षचरित्रा किसने लिखा था बानभट्ट ने और उन्हीं के टाइम में ये चीज़ बताई गई थी कि बृहद रथ को पुष्पमित्रा शुंगा ने असैसिनेट किया था क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे आते हैं हु अमंग द गुप्ता रूलर वाज़ द फर्स्ट टू बीर हायर पॉलिटिकल टाइटल ऑफ महा धीराजा धी बहुत सारे बुक में चंद्रगुप्त टू लिखा हुआ है लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ए चंद्रगुप्त वन ओके मार्क कर लीजिए स्कोर अपने स्कोर शेयर करना भूलिएगा मत क्वेश्चन सेवनटी थ्री एडी किसने ओवर थ्रू किया था तैला टू ऑफ वेस्टर्न चालुक्या चा, राजेंद्र वन ऑफ चोला चोला नन ऑफ दीज तो इसका करेक्ट आंसर तैला टू ऑफ वेस्टर्न चालुक्याज ने इनको डिफीट किया था क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच आर द फॉलोइंग मुगल सोर्सेज वॉज ट्रांसलेटेड इन टू परशियन बाई पैदा खान पैंदा खान ने किसे ट्रांसलेट किया था पर्शियन में तो इसका करेक्ट आंसर है ए बाबर नामा को ट्रांसलेट किया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आते हैं हु वॉज ऑथर ऑफ तारीख़ ई दाऊदी ये भी पूछा गया है लूसेंट से और इनके तारीख ई दाऊदी के जो ऑथर थे वो थे अब्दुल्ला ओके okay, बी अब्दुल्ला थे और ये जहांगीर के

और यहाँ का इस सदर उस सदर का ऑप्शन भी नहीं है ना नन ऑफ दीज का ऑप्शन है तो ये ऑप्शन वैसे रॉन्ग है जिसने मुतासिब किया आप देखते हैं कि क्या कंसिडर करती है ओपीएससी क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं ब्रिटिश कंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ आंक्लूडेडी सेवेंटी फाइव विद किन के साथ कंक्लूड की गई थी नारायण राव माधव राव रघुनाथ राव या विनायक राव तो करेक्ट आंसर है सी रघुनाथ राव के साथ ये ट्रीटी कंक्लूड की गई थी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वॉर्ज फर्स्ट टू बी कंक्लूडेड विद द विलेज कम्युनिटी पहला ऐसा था जो विलेज कम्युनिटी के साथ कंक्लूड किया गया था वो था रैयत वाली सिस्टम उसमें जो रेट्स जो छोटे फार्मर्स थे उनके साथ ये, ये सेटलमेंट स्टार्ट की गई थी, थी इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये है और सारे क्वेश्चन एन से आए हुए हैं इसलिए आप समझिए एन कितना इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है सारे एग्जाम्स में इवन हर क्वेश्चन ये क्लास एट के एन से आई है ये भी क्लास एट के एन से आई है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो प्लीज़ एन को पढ़ना नहीं भूलिए अगर आप दूसरे पी की भी तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आते हैं Uh, the first newspaper published by James Augustus अगस्त was the correct answer is Bengal Gazette गैजेट इन्होंने क्या कहते हैं स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हु कंपेयर द साल्ट मार्च ऑफ गांधी टू नेपोलियंस मार्च टू पैरिस ऑन रिटर्न फ्रॉम एल्बा किसने इसको कंपेयर किया था वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने इस चीज़ को कंपेयर किया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हु फाउंडेड द डेकन एजुकेशनल सोसाइटी जिन्होंने भी राना डेजा या गोपाल कृष्ण गोखले मार्क किया है इट इज़ अ रॉन्ग आंसर क्यों क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग थे आ, बाल गंगाधर तिलक थे अगरकर थे तो ये और ये तीन इस डेकन एजुकेशन सोसाइटी में नहीं थे इसका करेक्ट आंसर है डी नन ऑफ द अबब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पे आते हैं हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फेमायन कमीशन 1880 फर्स्ट वेमायन कमीशन के चेयरमैन कौन बने थे 1880 में तो इसका करेक्ट आंसर है ए सर रिचर्ड स्ट्राची इसको बोला भी जाता है रिचर्ड स्ट्राची कमीशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे द मिडल हिमालयन रेज ऑरिजिनेटेड इन तो ये ऑरिजिनेट हुआ था डी प्लायोसिन एज में ओके okay, ये ज्योग्रफी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्लास इलेवन की आपको फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जोग्राफी में इसका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी पे आते हैं विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन जिसने एक्जाम्पल अच्छे से नहीं पढ़े हैं उससे तो निश्चित ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ होगा वॉसजेज माउंटेन वेस्टर्न घाट्स माउंटेन सॉल्ट रेंज या सिया निवाडा आप जान लीजिए वॉसजेज वेस्टर्न घाट और सियरा निवाड़ा ये तीनों ब्लॉक माउंटेन्स है सॉल्ट रेंज जो है ये एक शील्ड है प्लेट्यू टाइप का है और ये प्लेट्यू कहाँ पर लाई करता है ये आ, लाई करता है बिटवीन इंडस एंड झेलम तो इसका करेक्ट आंसर है सी सॉल्ट रेंज क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच आर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर एमर्जेस फ्रॉम द पीर पंजाल रेंज सेम ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे वेस्ट वेस्ट बंगाल पीसीएस में भी पूछे गए हैं और एकदम लाइन टू लाइन जैसे कश्मीर किस दो रेंजेस के बीच में लाइक करता है ये वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा गया था और ये क्लास इलेवन की बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये भी बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है इवन लाइन टू लाइन ये दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटरी पीर पंजाल रेंज ऑफ वेरीनाग एरिया स्प्रिंग ऑफ वेरीनाग से ऑरिजिनेट होता है और ये है uh, इसका करेक्ट आंसर है डी झेलम झेलम ओरिजिनेट होता है थर्टी टू पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड ए स्टैक सी वेव्स बी बजाडा विंड्स सिकामे रिवर्स डी लैपीज ग्राउंड वाटर तो थर्टी टू का करेक्ट आंसर है बी बजाड़ा विंग्स क्योंकि जो बजाड़ा फॉर्म होता है ये हिमालयस के या किसी भी माउंटेन रेंज के फुटहिल्स पे फॉर्म होता है और इसको जो है वाटर इरोड करके लेकर जाती है विंड नहीं ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड ए बिंजेला करेंट डी इर्मिंगर करेंट सी पेरू करेंट डी मोजाम्बिक करेंट अब इसमें से पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है बेंजुएल्ला सही है क्योंकि ये साउथ अटलांटिक से ऑरिजिनेट होता है पेरू सही है क्योंकि साउथ पैसिफिक से सच में ऑरिजिनेट होता है मोजाम्बिक करेंट इंडियन ओशन से ऑरिजिनेट होता है तो जो इनकरेक्टली मैच्ड है वो है इर्मिंगर करेंट जो रिलीज होता है नॉर्थ अटलांटिक से क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच ए तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम रिवर बी कोटेश्वर प्रोजेक्ट ताप्ती रिवर सी दुल्हस्ती प्रोजेक्ट चिनाब रिवर डी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर इसका करेक्ट आंसर है बी कोटेश्वर प्रोजेक्ट ये रॉन्ग है क्योंकि कोटेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो भागीरथी रिवर पे है ताप्ती रिवर पे नहीं है अब क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेसेस हैज वुली हेयर्स ए निग्रॉइड बी मैंगलॉयड सी कॉकसॉइड डी ऑस्ट्रॉइड ऑस्ट्रेलॉइड तो इसका करेक्ट आंसर है वैसे बोला जाएगा जिनका वूली हेयर होता है वो अफ्रीकन ऑरिजन के होते हैं और उन्हीं को निग्रो भी बोला जाता है तो निग्रॉइड ऑरिजन के जो होते हैं उनके वूली हेयर्स होते हैं तो थर्टी फाइव का करेक्ट आंसर है ए थर्टी सिक्स का जो है वो डाउटफुल क्वेश्चन है हमारे लिए तो इसका मुझे आंसर नहीं मिला तो मैं रॉन्ग आंसर नहीं बताऊंगी आपको अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अब क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन पे आते हैं इट इज ट्वेल्ल नोन एट ग्रीन विच वॉट विल बी द टाइम एट द प्लेस सिचुएटेड एट सिक्सटी डिग्री ईस्ट लॉन्गीट्यूड अब आपको पता है कि जैसे ईस्ट की तरफ जाते हैं तो जो टाइम होता है वो प्लस में बढ़ता जाता है जैसे इंडिया का टाइम है फाइव मतलब साढ़े पाँच मिनट ग्रीन विच uh, से आगे है वो तो जैसे जैसे ईस्ट पे जाएंगे टाइम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वेस्ट पे जाएंगे टाइम घटता जाएगा तो अब इसका फॉर्मूला ये है कि 15 डिग्री जो होता है ग्रीनविच से जैसे ही हम राइट या लेफ़्ट जाते हैं तो वन आवर बढ़ता है या घटता है तो अगर 15 डिग्री वन आवर होता है तो 15 का फोर टाइम क्या होता है सिक्सटी डिग्री और सिक्सटी डिग्री वन इंटू कर देंगे तो वो फोर आवर्स हो जाएगा और अगर ट्वेल्व नून है तो अगर चार घंटे आगे बढ़ेंगे तो वो फोर पी हो जाएगा तो थर्टी का करेक्ट आंसर डी है फोर पी क्वेश्चन थर्टी एट वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दक्षिण गंगोत्री ये दक्षिण गंगोत्री का क्वेश्चन चाहे मैत्री का या फिर भारती इन सब का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन इससे जरूर है तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण गंगोत्री क्या है तो एक रिसर्च स्टेशन है जो है अंटार्टिका में बेस्ड क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पे आते हैं एल नीनो के बारे में बताते हैं एल नीनो क्या है ये पैसिफिक करंट है ओशन करंट है जो बहती है और या तो इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश करवाती है या इंडिया में बहुत ज्यादा सूखा कराती है तो एल नीनो जब लूज पड़ती है तब ला नीना स्टार्ट होती है और वो बहुत अच्छी रेनफॉल इंडिया में प्रोवाइड करती है लेकिन जब बैड मानसून होता है लो रेन होता है क्रॉप फेलियर होता है तब एल नीनो को कंसिडर किया जाता है इंडिया में कि एल नीनो की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स इशू स्टार्ट हुई हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी इन द एटमोसफेयर विच आर द फॉलोइंग लेयर कैरीज द ओजोन लेयर ये तो क्लास सिक्स की बुक में है कि किस लेयर में होता है तो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है ट्रोपोस्फेयर जिसने किया होगा गलत आंसर होगा इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है अच्छे से एन पढ़ना है इसके पॉलिटी के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आए थे मतलब बहुत सिंपल थे क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ डिसीजेस फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा जो उड़ीसा के बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि उस वो कौन सा प्री डोमिनेंट स्पीशी है तो वो है साल फोर्टी टू पे आते हैं स्लैश एंड बर्न ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इश्राइंड इन इट्स तो, in तो कहा इंसाइंड है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसीलिए देखिए कितना फैक्चुअल लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया है आप लक्ष्मीकांत कहीं, लूसेंट कहीं से भी आपने पढ़ा होगा तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते इतना सिंपल इसका आ, सेक्शन था और इसी हिसाब से कट ऑफ भी हाई जाने की उम्मीद है क्योंकि एग्जाम बहुत सिंपल था और जब सिंपल रहता तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है अब यहां पे फोर्टी पे आते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु डिक्लेयर्स एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया ए प्राइम मिनिस्टर बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सी गवर्नर डी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली अब इसका करेक्ट आंसर है क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे अगर आप आर्टिकल वन टू थ्री पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है किसी एरिया को शेड्यूल एरिया बना बताने की क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम ये सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है और ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स पे आते हैं विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स मतलब फेडरलिज्म अगर बोला जाएगा या फिर ये बोला जाएगा कि जो लिस्ट बनते हैं यूनियन और स्टेट के बीच में तो कहाँ पर आता है तो सेवंथ शेड्यूल सेवेंथ शेड्यूल जो अब शेड्यूल याद करने का आपको तरीका बता देती हूँ टीयर्स ऑफ ओल्ड पी एम ये एक ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पी एम इसको मैं जो एक्सप्लेन कर दूंगी आपको कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दूंगी टी ई ए, -ए टी ई ए आर एस ओ एफ ओ एल डी अब एफ से क्या हो जाएगा फेडरल स्ट्रक्चर हो जाएगा यही जो सेवन्थ शेड्यूल है ये फेडरल स्ट्रक्चर को डील करता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन जो है ये अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको कोई भी शेड्यूल आप कभी भूलेंगे नहीं तो एफ से फेडरल स्ट्रक्चर तो एफ से जो लिस्ट है यूनियन और स्टेट्स के बीच में उसको ये डील करता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन पे आते हैं मैंडमस इज अ रिट इशूड बाई द एपेक्स कोर्ट अब मैंडमस भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों इशू कर सकती है आर्टिकल थर्टी टू और आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंडर ठीक है और मैंडमस का अगर लिटरेली मीनिंग होता है तो ये होता है वी कमांड ठीक है जैसे हाबस कॉपर्स का मतलब होता है कि टू ब्रिंग अ बॉडी वैसे ही मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है आस्किंग अ पब्लिक ऑफिशियल और एनी अथॉरिटी टू परफॉर्म लीगल ड्यूटी कमांड करना उनको कि आप अपने ड्यूटी करिए तो यही है मैंडमस तो ए इसका करेक्ट आंसर है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट पे एनी बिल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट द विदाउट द कंसेंट ऑफ द सॉरी मनी बिल मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता किसके कंसेंट के बिना स्पीकर जब तक स्पीकर नहीं बताएगा कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं तब तक उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में फोर्टी नाइन पे आते द फर्स्ट एज स्टेट इन इंडिया विच वॉज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वॉज आज़ादी के बाद पहला यही स्टेट बना था आंध्र प्रदेश जो तेलुगु लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुआ था पे आते द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल बिटवीन सिक्स एंड फोर्टीन ईयर ऑफ एज हैज बिन इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द ईयर टू थाउजेंड टू फिफ्टी का करेक्ट आंसर है सी फिफ्टी वन पे आते है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंस मिनिस्ट्री इसमें से कौन सा फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट नहीं है और अभी ये क्वेश्चन पूछा क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि अभी एक डिपार्टमेंट ऑफ तो हैवी इंडस्ट्री जो है फिनांस मिनिस्ट्री में ऐड हुई है सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फिनेंस मिनिस्ट्री में ऐड हुई है इसीलिए जो अभी सात डिपार्टमेंट हो गए हैं फिनंस मिनिस्ट्री के तो उसी में से पूछा गया कि इनमें से कौन सा नहीं है तो फिफ्टी वन का करेक्ट आंसर है डी डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग अफेयर्स जो नहीं है इसका पार्ट फिफ्टी टू पर आता है द ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज बाई कौन ऑर्गेनाइज इसको करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स क्योंकि विप जो होता है वो पार्लियामेंट से ही रिलेटेड होता है ए इसका करेक्ट आंसर होगा फिफ्टी टू का ए फिफ्टी थ्री का दर्पज ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल फोर्टी फोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ये है कल्चरल इंटीग्रेशन मतलब जितने भी कल्चर हैं सबको एक जगह पर इंटीग्रेट कर देना जैसे तलाक है चाहे कोई भी रूल रेगुलेशन जो है सारे एक ही कोड एक ही यूनिफॉर्मली uh, उसको ऑर्गेनाइज किया जाए इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बना हुआ है और ये डी का फिलहाल भी पार्ट है जब ये एनफोर्समेंट में आ जाएगा तब ये कोई एक्ट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर पे आते हैं पॉलिसी एज रैशनल चॉइस इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज अब इसका करेक्ट आंसर है बी रैशनल थ्योरी ओके फिफ्टी फाइव पे आते हैं कीपिंग कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सॉरी कीपिंग कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज द पावर ऑफ लोकसभा लोकसभा की पावर है ये फिफ्टी सिक्स पे आते हैं द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कंप्राइजेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एंड एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट ऑल चीफ मिनिस्टर एंड लिफ्टेंट गवर्नर चीफ मिनिस्टर एंड यूनियन फिनेंस मिनिस्टर अब आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग से हर एग्जाम में कब फॉर्म हुआ कैसे फॉर्म हुआ कितने मेंबर होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए जरूर पढ़ लीजिए अगर आप यूपीएससी के लिए भी जा रहे हैं क्योंकि स्टेट पीसीएस में आ रहा है तो बहुत बार यूपीएससी स्टेट से भी उठाता है तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इसका करेक्ट आंसर है ए प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल चीफ मिनिस्टर्स तो नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको मार्क कर लीजिए दूसरे एग्जाम्स के लिए भी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पे आते हैं द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल इन इंडिया इज फिनेस मिनिस्टर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सी यूनियन होम मिनिस्टर डी स्पीकर ऑफ लोकसभा तो इसका करेक्ट आंसर है फिफ्टी सेवन सॉरी फिफ्टी सेवन का करेक्ट आंसर है सी यूनियन होम मिनिस्टर फिफ्टी एट पे आते हैं फॉर ईच कंट्री ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैल्यूज आर डिटरमाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर कौन ये कौन सा इंडिकेटर होता है ये तो करेक्ट आंसर इज चाइल्ड वेस्ट सॉरी अंडर नरिशमेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी चाइल्ड स्टंटिंग चाइल्ड वेस्टिंग अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या है डी ये सारे इंडिकेटर्स जो है वन टू थ्री फोर यूज किए जाते हैं टू डिटरमाइन ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर आपको पूछ लेगा किसी और एग्जाम में ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे क्या क्या आता है तो आप अगर ये क्वेश्चन पढ़े हुए होंगे तो आपको पता रहेगा क्वेश्चन नंबर पे आते हैं द रिजर्व हेल्ड बाई ओवर एंड अब कॉल्ड द करेक्ट आंसर इज ए कैश रिजर्व सिक्सटी पे विच आर द फॉलोइंग प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय फॉर द फिनेंसिंग द पुअर सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने स्टार्ट किया गया किया था तो ये किया था नाबार्ड ने स्टार्ट नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने सिक्सटी वन पे आता है फिनेंशियल इंक्लूजन स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरक्षा बंधन योजना अटल पेंशन योजना हृदय योजना तो करेक्ट आंसर इज डी हृदय हृदय जो है हाउसिंग से रिलेटेड है बाकी ये सारा जो है फिनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है सिक्सटी टू शिशु किशोर एंड तरुण आर द स्कीम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया माइक्रो यूनिट्स स्मॉल इंडस्ट्रीज डी रीजनल रूरल बैंक्स तो करेक्ट आंसर इसका है माइक्रो यूनिट्स माइक्रो के जैसे शिशु तरुण और किशोर इन सबको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया पाँच करोड़ उससे अबव उससे अबव उस तो उससे रिलेटेड ये स्कीम है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एजुकेशन पर कैपिटा इनकम लाइफ एक्सपेक्टेंसी सोशल इनक्वालिटी तो सिक्सटी थ्री का करेक्ट आंसर है डी सोशल इनक्वालिटी सोशल इनइक्वालिटी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर पे आते हैं ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एक्सक्लूसिवली तो ये किस कमेटी ने बनाया था पोवर्टी लाइन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे तो ये बनाया था अलग कमेटी ने वाईसी अलग कमेटी कमेटी ने क्वेश्चन डेवलपमेंट गोल एम्स टू इराडिकेट एक्सट्रीम पोवर्टी हाउ डज द यूएन करेंटली मेजर एक्सट्रीम पोवर्टी कैसे मेजर करती है यूएन तो इसका करेक्ट आंसर है डी पीपल हु लिव पीपल हु लिव ऑन लेस देन टू पॉइंट फाइव डॉलर अ डे विच ऑफ द इज द हाइएस्ट एलोकेशन मिनिस्ट्री इन बजट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू देखते हैं इसका करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर तो सिक्सटी सिक्स का करेक्ट आंसर है ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिक्सटी सेवन पे आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एन वील्ड अव सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स विद द बेस ईयर अभी न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बना है और उसका बेस ईयर क्या है तो उसका बेस ईयर है बी 2016 को बेस ईयर बनाया गया है 68 पे आते हैं द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर टू जी डी पी ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर रिमेनिंग द सेम ओवर द ईयर डिक्रीजिंग ओवर द ईयर एट टाइम्स इंक्रीजिंग एंड एट टाइम्स डिक्रीजिंग तो 68 का करेक्ट आंसर है डी एट टाइम्स इंक्रीजिंग एंड एट टाइम्स डिक्रीजिंग ओवर द ईयर 69 पे आते हैं हुड इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है अब सेवेंटी पे आते हैं आउट ऑफ द फोर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई यूज्ड इन इंडिया एम वन एम टू एम थ्री एंड एम फोर द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स आर इंक्लूडेड इन तो पोस्ट ऑफिस सेविंग जो इंक्लूडेड हैं, वो है डी एम टू और एम फोर में सेवेंटी वन पे आते हैं द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज विच टाइप ऑफ बॉडी किस टाइप की बॉडी है ये तो स्टैचुटरी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशड नहीं है और ये क्योंकि खुद एक एक्ट के थ्रू बनी हुई है इसलिए ये स्टेचुटरी बॉडी है सेवेंटी टू पे आते हैं डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ डायरेक्ट कॉज ऑफ ये भी क्वेश्चन एन सी आर टी से एकदम लाइन बाई लाइन पूछा गया है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टॉप सॉयल इरोजन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज स्पीशीज इन्वेजन इसका करेक्ट आंसर है डी स्पीशीज इन्वेजन सेवेंटी थ्री पे आते हैं द सक्सेशन वेयर कम्युनिटी इंक्रीजेज इट्स डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी विद टाइम इज कॉल्ड बी प्रोग्रेसिव सक्सेशन ये जो है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का क्वेश्चन है सेवेंटी फोर पे आते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर इज मेजर ऑफ वाटर नाइट्रेट लेवल वाटर फॉस्फेट लेवल वाटर ऑर्गेनिक लोड वाटर पेस्टिसाइड लोड तो इसका करेक्ट आंसर है सी वाटर ऑर्गेनिक लोड 75 पे आते हैं बिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल एयर पॉल्यूशन द करेक्ट आंसर इज डी अब ये यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं पेरोक्साइटेल नाइट्रेट सेवेंटी सिक्स एक्सिट्यू कंजर्वेशन इंक्लूड्स नेशनल पार्क बोटानिकल गार्डन बायोसफेयर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब इन सिटू का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर आप हैं वहीं पर आपका घर है ठीक है और एक्स सी का मतलब आपके घर से निकाल के अगर आपको कहीं और आ, बसाया जाता है तो उसको एक्स सी कंजर्वेशन बोलते हैं और इसका करेक्ट आंसर है बी बोटैनिकल गार्डन्स जो है वो एक्स टू कंजर्वेशन क्योंकि पेड़ को उठा के कहीं और से कहीं और अगर ला रखा जाता है तो एक्स सी हो जाता है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन पे द डाटा बेस जनरेटेड बाई ई एन वी आई एस इज यूज फॉर दूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द करेक्ट आंसर इज ए बायोडाइवर्सिटी सेवनटी एट पर आता है सी बी डी इज एक्सपैंड एज सी बी डी क्या है तो सी बी डी इज कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ओके okay, जिसने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी अच्छे से पढ़ा होगा क्लास इलेवन ट्वेल्थ का या फिर श्री राम आई का भी अगर आपने पढ़ा होगा शंकर आई का सॉरी तो उसमें भी ये सब बहुत अच्छे से गिवन है सेवेंटी नाइन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन तो सेवेंटी नाइन का करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो है सी भरतपुर इज रिलेटेड टू टाइगर्स ओके क्वेश्चन नंबर एटी पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी कॉज ऑफ द राइज इन सी लेवल सी लेवल किस वजह से राइज होता है ऑफ कोर्स मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स जब वो मेल्ट होगा तो सी लेवल राइज हो जाएगा 81 पे आते हैं द सोलर एनर्जी इज अ कन्वेक्शनल सोर्स नॉन कन्वेक्शनल सोर्स नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल कोर्स इट इज कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आपको पता है और अपने स्कोर्स प्लीज शेयर करिए मैं इतना एफर्ट लगा रही हूँ फटाफट आंसर की बताने में तो मुझे आप सबका स्कोर चाहिए क्योंकि मुझे फिर एनालाइज करके बताना है कि कितना कट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है आप ही लोग के भले के लिए तो प्लीज़ अपने स्कोर शेयर करना भूलिए मत 82 पे आते हैं बैट्स यूज डैश टू नेविगेट एंड फाइंड फूड ये सबको पता है ये आ, आ, साइंस के बुक में भी मैंशनड है तो 82 का करेक्ट आंसर है डी ईको लोकेशन वैसे इसको वैसे वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ते हैं वैसे ईको लोकेशन भी इसको बोला जा सकता है इको छोड़ते हैं और वो जो बैक आती है तो वो उससे नेविगेट करते हैं 83 पे आते हैं न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन कोरोना वायरस इज इट इज वॉट बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको इसका करेक्ट आंसर है सी एसिड इसमें प्रेजेंट है एटी फोर पर आता है टेलीविजन सिग्नल्स आर एटी फोर का करेक्ट आंसर होगा टेलीविजन सिग्नल्स रिलेटेड का बोथ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यटेड एटी फाइव पर आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पर बनाया जैसे डायनमो में तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक बनाया जाता है तो इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल बना दिया जाता है लाइट ईयर ये क्वेश्चन बीपीएससी में अभी पूछा गया है हाल ही में यूपीएसएससी में भी और यहाँ पे भी देखिए पूछा गया है तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन फ्री स्पेस इन वन ईयर ईयर अब आते हैं क्वेश्चन एटी सेवन ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉज वेन अ पर्सन इज देयर एट तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए हायर एल्टीट्यूड वेयर एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लो इस वजह से कभी कभी बर्स्ट हो जाता है वेन और ब्लीडिंग हो जाती है नाक से एटी एट द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस इज अफकोर्स इट इज़ मिथेन ये तो हमारे एनसीआर में ही मैंशनड है

हमारे उसको ऑक्स कहते हैं हमारे खून को ये पॉइजनस कर देती है नाइन्टी वन पे आते हैं विच इज नॉट अ सिंथेटिक पॉलीमर द करेक्ट आंसर इज डी रेजिन ये जो है प्लांट से ऑब्टेन होता है इसलिए सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है बी सीवियर पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ये भी इस क्लास सिक्स सेवेंथ एट के एनसीआरटी का क्वेश्चन पूछा गया और कौन सा स्ट्रिंग uh, में इसमें कौन सा एसिड होता है होता है इसमें डी मिथेनॉइक एसिड एल्बिजम इज कॉज ड्यू टू द ऑफ ये डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट का के चैप्टर से है और किसके डिफिशियंसी की वजह से होता है एलब्रिज्म ये होता है विटामिन की डेफिशंसी से नाइन्टी फोर पर आते हैं इन बॉल पॉइंट पेंस डाई यूज आर वाटर बेस्ड एल्कोहल बेस्ड ग्लिसरीन बेस्ड या ऑयल बेस्ड तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ग्लिसरिन बेस्ड नाइन्टी फाइव पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लीज डेविएटेड बाई द ग्लास प्रिज्म कौन सा कलर लीज डेविएट होता है तो वो होता है रेड कलर इंटी okay, सिक्स पे आते हैं फिकस बैगनिज इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द्रिंजल बनाना पीपल या बैनियन इसका करेक्ट आंसर है बैनियन का करेक्ट नाम है फिकस नाइनटी सेवन पे आते हैं स्पायरोगेरा इज अ काइंड ऑफ ए एलगी फंगी बैक्टीरिया या वायरस तो ए एलगी नाइनटी एट पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक फाइब्रॉइन लेक्सन नियोप्रॉन या टेफ्लॉन तो नाइन्टी एट का करेक्ट आंसर है फाइब्रॉइन जो है ये सिंथेटिक नहीं है नाइन्टी नाइन पे आते हैं चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन क्लोनिंग फ्यूजन ब्रीडिंग अगर आपने मेरे बायोलॉजी के वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में क्लियरली आपको बताया था कि जब म्यूटेशन होता है तब ये होता है तो 99 का करेक्ट आंसर है ए और 100 पे आते हैं हाइप्सोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी डेप्थ ऑफ ओशन तो हंड्रेड का करेक्ट आंसर है डी हंड्रेड का करेक्ट आंसर है डी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अपने स्कोर्स को शेयर करिए और ऐसे ही देखते रहिए द एम सी क्यू फैक्ट्री अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ्स के भी क्वेश्चन को जो सी सैट में भी पूछे जाएंगे आपके जी एस पेपर टू में वो भी हम यहाँ पर उसका आंसर की रिलीज़ करें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो हमें मोटिवेशन मिलेगी थैंक यू फॉर वॉचिंग